अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और करम से। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए होते हैं कि सर दाने स्कूल का रिज़ल्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं क्लास सिक्स का, अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट इंडक्शन टेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, अपने अपने कैंपस में नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर से बहुत दूर है कैंपस। तो बात भी आप लोगों की ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बहुत ही आसान है रिज़ल्ट फाइंड करना। अब मेरी वीडियो को गौर से देखें, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों आपने सबसे पहले, अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आपने करना है क्लिक। अब लिंक को क्लिक करने के बाद किस तरीके से आपको आपने रिज़ल्ट फाइंड करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, चलिए जी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, पंजाब दानी स्कूल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी। तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है आपने। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से पिक्चर्स आ जाएंगी और ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है एडमिशन क्राइटेरिया, नंबर वन, नंबर टू एडमिशन फॉर्म, नंबर थ्री इंडक्शन टाइम लाइन, नंबर थ्री इंडक्शन टेस्ट रिज़ल्ट एंड समर वेकेशन। जैसे आप इंडक्शन टेस्ट रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कैंपस। आपने कैंपस, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है हासिलपुर बॉयज़, ये आपने किया हासिलपुर कैंपस है दानी स्कूल बॉयज़ हासिलपुर पास, ये आपके पास आ जाता है जी। एप्लीकेशन नंबर, जो भी बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर मैं लिख रहा हूँ 180। उसके बाद है एडमिशन रोल नंबर, अब आपके जो बच्चे का एडमिशन रोल नंबर होगा वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर लिख रहे हैं 70, या आपने रोल नंबर 70 लिखा। लिखने के बाद अब कैप्चा का क्या मतलब है, कैप्चा का मतलब ये होता है कैप्चा कि आपने 6+10 कितना होता है, जैसे 6+10 16 होता है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। अब जैसे कुछ और मांग रहा है 7+1 8 होता है, हमने 8 कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये बार बार इस तरीके से ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर सही नहीं लिखा। आप जब सही लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, अब ये आपको कैसे पता लगेगा, रोल नंबर स्लिप आपने अपने सामने रखनी है, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास पूरी पिक्चर आ जाएगी, उसमें आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। तो देखा जैसे कि आपने रिज़ल्ट को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये इस वीडियो में बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। लिंक को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप रिक्वायर्ड जो उसमें ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को आपने फिलअप करना है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है। रोल नंबर के बाद आपने कैंपस को सिलेक्ट किया, कैंपस को सिलेक्ट करने उसके बाद कैप्चा का ऑप्शन आता है। कैप्चा मतलब आपने जैसे 4+6 कितना होता है 10, आपने 10 लिखना है, सर्च करना है, तो आपके पास एक पूरा पेज आ जाएगा जिसमें उसमें पिक्चर होगी, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे, जैसे मैथ में कितने मार्क्स लिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए, IQ में कितने मार्क्स लिए, साइंस में कितने मार्क्स लिए, टोटल आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और आप आसानी से घर में बैठ के अपना रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, गूगल पे जाके आपने, या ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपने क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ से क्लिक कर लें, या उसको कॉपी करके गूगल पे लिखेंगे उधर से भी पेज आ जाएगा। तो मेरी आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर लिया करें। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है इंटरव्यू से रिलेटेड, कि इंटरव्यूज़ दानी स्कूल में आज से स्टार्ट हैं, आज भी इंटरव्यूज़ होंगे, कल भी और परसों भी, यानी कि 29, 30 और 31 दिसंबर 2021 तक इंटरव्यूज़ चलेंगे। तो आप लोगों को अगर कॉल आ गए तो आपने इंटरव्यूज़ के लिए फाइनल जाना है ताकि आगे फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। इसी के साथ ही ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।